कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कशी मिळवायची, कोण देणार आहे, किती मिळणार आहे? श्रुतिकाजी आहेत आपल्या संगती? जी मनीष जी. श्रुतिका जी इनानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉटन गुरु के प्लेटफॉर्म पे. आपने अपना समय देना को एग्री किया और इतने समय से आप हमारे साथ इस पूरे वेबिनार के शुरुआत से जुड़े हुए हैं. तो क्वेश्चन यही आता है कि कैसे मिलेंगे पैसे और क्यों कोई देगा हमें पैसे? तो एक अकेला किसान तो नहीं पहुंच पा रहा था, पर एफपीओ बनने के बाद क्या ये जर्नी थोड़ी ज्यादा इजी हो गई है? क्या अभी एफपीओ बनने के बाद कहीं भी जाएंगे तो कोई लोन दे देता है या कुछ स्पेशल करना पड़ेगा? जी जी जी, इसके बारे में मैं मेरा शायद वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपसे. शेयर करने, स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए. होस्ट प्लीज परमिशन दीजिए मुझे. ओके ओके मैडम, ओके मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ. जी जी Yes, madam, you can share the screen now. Okay, thank you. जी, देखिए सबसे पहले मैं आपसे यही बात, मेरी स्क्रीन देख सकते हैं आप अभी, राइट? Yes. स्क्रीन क्लियर है. जी जी, देखिए बात मैं इस तरीके से करना चाहूंगी. सबसे पहले कि आप लोगों ने अभी जिस तरीके से इफको वालों ने बात की, जिस तरीके से बीएससी ने हमें बताया कि वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने सुना जो अपने आपके जो फार्मर है उनकी भी बात मैंने सुनी कि उनको किस प्रकार के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं. तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये समझ में आया कि व्हाट इज फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी. ये जब तक हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, शायद हम उतनी तरीके से इन सारी चीजों का बेनिफिट भी ले पाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स के साथ में सॉल्व भी कर पाएंगे. फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हमारे सारे छोटे फार्मर्स को साथ में लेकर बनाने का है. इन छोटे फार्मर्स, वो फार्मर्स है छोटे फार्मर्स एज इन जहाँ पे उनके पास खेती करने के संसाधन जो है वो कम है. जहां पर अगर वो एक एक करके करेंगे तो कम है, लेकिन अगर वो कलेक्टिव फार्मिंग में जाते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग में जब वो जाते हैं तब वो एक चेन, वैल्यू चेन बनाते हैं और उसमें ये सारी चीजें वो कर पाते हैं, जिसमें कि बीएससी वाले उनको सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि आपके इफको वालों का उनके साथ में बड़ा सपोर्ट है. और इसी सबके साथ में गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो एक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी नाम की एक एंटिटी बनाकर और उसके साथ में इन फार्मर्स का, इन किसानों का अपब्रिंगिंग कर पाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाए. इनफैक्ट द कॉटन गुरु इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग इन दिस ऑल्सो. सो लेकिन बेसिक किसी भी चीज को अपलिफ्ट करने के लिए, किसी भी चीज को कराने के लिए हमें सबसे एंड में, सबसे पहले में एक चीज चाहिए, पैसा. क्योंकि कंपनी तो हमने बनाई, बेसिक कंपनी बनाने का होता है सबसे पहली बात, एफपीओ में जो आपके फार्मर्स है वो ही मिलकर कंपनी बना सकते हैं. जब हमारा मोटिव ही ऐसा रहता है कि हम छोटे छोटे फार्मर्स को कलेक्ट करके उनके साथ में एफपीओ बनाएंगे, तो पर फार्मर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,500 रुपए के ऊपर नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का. तो उससे बनाई हुई कंपनी के पास हमारे जो फंड होते हैं वो इतने पर्याप्त नहीं होते कि हम उसके साथ में बड़ी चीजें या बड़ा ट्रांजैक्शन या हम ट्रेड कर सके. तो उस समय सरकार ने हमें बहुत अच्छा एक हाथ भी दिया है, उन्होंने हमें ये हेल्प भी दिया है कि इन सारी वैल्यू चेन को कंबाइन अगर हम करते हैं तो ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे साथ में जो कि हमें प्राइवेटली और पब्लिकली, दैट मीन सरकार के साथ में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी, एनबीएफसीज भी, जो कि हमें इस तरीके के एफपीओस को लोन देने में और उनके साथ में आगे काम करने में, उनके साथ में पे अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग कैटेगरी में उनको हम पैसा मुहैया कराते हैं. जिससे कि आप मेरी स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तो बिजनेस सेंस जब फार्मर को होएगा या कलेक्टिव फार्मिंग जब वो करेगा या वैल्यू एडेड होगा या बोर्ड वर्क्स फॉर योर बेनिफिट, देन टेक्नोलॉजी जब हम एनहांस करेंगे या हम बैंकिंग को अपने डोर स्टेप पे लाएंगे या हम ब्रांडिंग करेंगे या स्टोरिंग द एलिमिनेटिंग डिस्ट्रेस से, दैट स्टोरिंग इज ऑल लाइक द वेयर हाउस. सो इन सारी चीजों के लिए वी नीड फंड्स. जब हम फंड्स की बात करते हैं, गोडाउन बनाने के लिए हमें फंड चाहिए, ऑफिस बनाने के लिए हमें फंड चाहिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए हमें फंड चाहिए, हमारा सामान बेचने के लिए हमें फंड चाहिए, हमारे वैल्यू ऐड करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स. और जब ये सारी चीजें हम कलेक्टिवली एक साथ लाते हैं तब हम
तब हम कहते हैं कि नहीं, हमने एक प्रॉपर एफपीओ को एक कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में खड़ा किया। इन सारी चीजों में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल एंटिटीज, हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए पैसा चाहिए। 85% ऑफ टोटल कलेक्टिव लैंड इन इंडिया इज हेल्ड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये डेटा जो मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं डिस्क्लेमर कर दूं कि ये डेटा हमारा लिया हुआ है, ये कोई गवर्नमेंट का रेशियो नहीं है। तो आई कैन नॉट डेट कि अगर आप कल बोलेंगे नहीं मैडम ये 83% है, तो भैया 83% मैंने मान लिया। बट मेरा कहना है 85% हमारा कल्टिवेबल लैंड ऐसा है जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स से है। उस समय हमारे पोर्शन की जो प्रोड्यूसर कम्युनिटी है, देयर वैल्यू रियलाइजेशन इन द कंप्लीट एग्रीकल्चर वैल्यू इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। और जब ये लिमिटेशंस होती है तब हम बात करते हैं कि भाई अब हमें इनके साथ में कैसे करना है करके। तो देर आर बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इन एफपीओस को या पीओस को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इनके बिजनेस एक्टिविटी में, प्रोड्यूस करने के लिए, कलेक्टिवली मार्केट करने के लिए, बल्क प्रोक्यूरमेंट करने के लिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए, और इन सब के लिए पैसा देती है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के थ्रू, या काफी कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स है जिनके थ्रू आपको पैसा मिलता है, बशर्ते कि ये पैसा लेने की आपको जो तकनीक है वो पता होनी चाहिए। मैं तकनीक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ सिंपल भी नहीं कि आप गए और आपने बोला हमारी एफपीओ है और हमको पैसा दे दो तो गवर्नमेंट दे देगी, और बहुत ज्यादा ऐसे कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है कि एक एफपीओ अगर प्रोसेस वाइज में जाए तो ये फंड्स वो नहीं ले सकती। इस मैच्योरिटी फेज, ग्रोइंग फेज और इनिशियल फेज, इस तरीके के जो तीन फेजेस है गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, उन फेज के अंदर उन्होंने बताए हुए लोन्स को बाइफोकेट किया है। इन लोन्स में हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो लोन्स की गवर्नमेंट की तरफ से, या तो वो कोलेट्रल है या वो विदाउट कोलेट्रल है। कोलेट्रल दैट इज सिक्योर्ड लोन, जैसे कि बीएससी वालों ने भी हमें बताया कि देयर आर सो मेनी कंपनीज, जो दो मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो उनको लोन देने के लिए तत्पर है, लेकिन उसके लिए जो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी में जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की उन्होंने बात की कि जो कम है, वो इसलिए है क्योंकि जो आपका कॉटन उनके पास में एज अ सिक्योर्ड लोन रखा हुआ है, दैट्स वाई दे आर गिविंग यू अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑफ द कॉटन इन विच यू आर ट्रेडिंग और समथिंग लाइक दैट एज पर देयर नॉर्म्स एंड ऑल। सो उस केस में हम इसी प्रकार का एक लोन है जो हम कहते हैं लोन प्रोडक्ट विद अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल कवर और लोन प्रोडक्ट विदाउट कोलेट्रल कवर। देर आर सर्टन अनसिक्योर्ड लोन ऑल्सो जो कि गवर्नमेंट हमारे किसानों को एफपीओ के थ्रू दे रही है, और मैं इस बात को बिल्कुल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि ये एफपीओ को बेनिफिट इसलिए है क्योंकि ये जो लोन सरकार दे रही है ये एफपीओ को दे रही है, ये इंडिविजुअल फार्मर्स को नहीं दे रही। इंडिविजुअल फार्मर्स को जो लोन है वो अपनी जगह पे है, उसका हम इस समय जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इस समय जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो एफपीओ के साथ में लोन्स कुछ सरकार आपको देना पसंद करेगी। अब ऐसी काफी इंस्टीट्यूशंस है जो लोन प्रोवाइड करती है सरकार के साथ, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले मेनली हमारी एसएफएससी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। अब एसएफएससी ऑपरेट्स अ क्रेडिट गारंटी फंड टू mitigate credit risk of financial institutions which lend to the farmer producer companies without collateral. This helps the FPCs to access credit from mainstream financial institutions for established and operating business. अब इसमें हम बात करते हैं, जब हमारा FPO हमने बना ली 5 लाख 10 लाख के कैपिटल से, हमने पैसा भी किसानों से हजार हजार रुपए करके, अगर हमारे साथ में 1000 किसान जुड़े हैं, हमने उनसे 100 रुपए लिए, हजार हजार रुपए इकट्ठा करके हमने उनके साथ में एक एफपीओ बनाकर और पैसे भी हमारे खाते में डाल दिए, लेकिन अब उस पैसों से ज्यादा जरूरत हमें आगे के फंड्स की, हमारा वर्किंग कैपिटल कहाँ से होगा, हम काम कैसे करेंगे, हम खरीदेंगे बेचेंगे कैसे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में, कि कोई भी एफपीओ अपने इनिशियल स्टेज पे, दैट मीन्स 2 इयर्स और 3 इयर्स के फेज में, बहुत कम तरीके से प्रॉफिट कमा पाती है। हम तो इस ये मानकर ही चलते हैं कि अगर हमने ये एफपीओ बहुत अच्छे से बनाई भी है और इसमें हमने फंड्स वगैरह लेकर काफी मेहनत भी की है, तो भी अगर अगले 2 सालों में अगर एफपीओ ने प्रॉफिट नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट डजंट मीन इट्स अ फेल एफपीओ, इट मीन्स दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उस समय ये जो हमारे फंड्स है, इस समय एसएफएससी जैसी इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने आती है और ये हमें बिजनेस चलाने में, स्टैब्लिश करने में और अच्छे तरीके से हमें संभलने का एक मौका देती है।
जिसमें कि एसएफएससी इसके साथ में प्रोवाइड करती है इक्विटी ग्रांट का लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख रुपए तक का बोरोइंग पावर एंड दस इनेबल एंटिटी टू एक्सेस बैंक फाइनेंस। इक्विटी ग्रांट के लिए लोन है उनके पास में आपके साथ में जुड़ने के लिए मशीनरी खरीदने के लिए लोन है, उसके साथ में आपको अगर वेयर हाउस बनाना है देर इज अ वेयर हाउस लोन ऑल्सो। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, लेकिन ये जानने के लिए किसानों तक ये बात पहुंचनी भी उतनी ही जरूरी है कि भैया सरकार ये दे रही है तुमको, लेकिन तुम्हें जाकर इसको अता करना है, तुम्हें जाकर इसको लेना है। तो ये जो बीच का जो मेडिएटर वाला जो काम है ये शायद हम लोग कर पाए अच्छे से किसानों तक पहुंचने के लिए, जिससे कि जो एसएफएससी के साइट पे अगर आप देखेंगे या एसएफएससी के व्यक्ति को अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसमें डेफिनेटली वो लोग आकर आपको हेल्प करते हैं और उसमें हम लोग भी उतना ही हेल्प को देने की कोशिश करते हैं बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर बीइंग अ फाइनेंशियल सिक्योर टू द ऑल द एफपीओस कि इनको ये लोन मिले, इनको ये लोन प्रोवाइड हो। इसके साथ में सबसे पुराना हम देखें तो नाबार्ड करके जो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन दिया है वो फाइनेंशियल सपोर्ट पीओ को जो देता है वो ओनली तो प्रोजेक्ट मोड देता है। गवर्नमेंट ने नाबार्ड के थ्रू एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड करके क्रिएट किया हुआ है। इस डेवलपमेंट फंड में भी नाबार्ड को अपने एफपीओ के लिए हायर क्रेडिट जो बैंक्स देती है उससे तो विदाउट कोलेटरल ये लोन प्रोवाइड करती है एफपीओ को, जिसको कि एफपीओ को एक सर्टन पीरियड में वापस करना पड़ता है। तो ये जो सर्टन पीरियड का अमाउंट है ये भी जो डिसीजन रहता है ये भी उस एफपीओ के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया ये अगर हम इस तरीके के पाथ पे चले तो कितने समय में हम ये पैसा इनको वापस कर पाएंगे विद द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये भी नाबार्ड आपको इस यहाँ पे भी आपको हेल्प करती है ताकि आप एक्सप्लॉइट ना हो। किसानों के साथ में छोटी जगहों पे ये तकलीफें जरूर होती है कि वो बाहर से हैंड लोन लेते हैं, उनकी खेती अगर उसमें बारिश ठीक से नहीं हुई, फसल बराबर नहीं हुई तो उसको लेकर उनको काफी तकलीफें झेलनी पड़ती है स्पेशली विद द फाइनेंस पार्ट। लेकिन उस समय अगर नाबार्ड और एसएफएससी जैसे हमारे पास में अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस है जिनका हमें अच्छा नॉलेज है तो किसानों को वहां पे एक्सप्लॉयटेशन से आप काफी हद तक बचा सकते हैं। जनरल नाबार्ड इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें देती है, मैंने मेरी स्लाइड में बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए दिया है कि जनरली क्रेडिट सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड क्रिएशन ऑफ असेट्स। बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही थ्रू थरोली और ट्रूली ओनली फॉर बिजनेस ऑफ एफपीओ, वो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए और जैसे असेट्स आपको बनानी है बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, स्पेशली डिजाइंड व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे काफी जैसे फिशरी का अगर देखो आप वो भी प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू आता है, आप फूलों के इन सारी चीजों में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिजाइंड व्हीकल थोड़े से स्पेशलाइज होते हैं, उन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के लिए भी लोन अलग से प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है वो नाबार्ड और एसएफएससी जैसी चीजों में है। और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल अगर आपको देना है, रिक्वायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव या अकरिंग कॉस्ट, कॉम्पोजिट लोन, देर आर सो मेनी थिंग्स फॉर विद द नाबार्ड विद एसएफएससी कि जिसमें कि आप अलग अलग कैटेगरी में आपके लोन को बाइफोकेट कर सकते हैं और वो लोग बेस्ट आपकी हेल्प करते हैं कि आप किस तरीके से कौन से लोन के अंदर बैठते हैं और किस तरीके से हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा इसमें बेनिफिट कर सके। लेकिन हाँ, इसमें आप बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड, व्हीकल फॉर जनरल ट्रांसपोर्टेशन या पर्सनल यूज, ये बिल्कुल भी ये लोग नहीं करते क्योंकि इनका बेसिक मोटिव जो रहता है, इनका बेसिक मोटिव है फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो उसमें ये फार्मर्स को कलेक्टिवली अपलिफ्ट कराने में बिलीव करते हैं जो एफपीओ को सपोर्ट करते हैं। मैं फिर बोलूंगी, मैं जो आपको ये लोन्स के बारे में बता रही हूँ स्पेसिफिकली एफपीओ के लोन्स हैं, फार्मर्स को मिलने वाले लोन्स उससे काफी अलग होते हैं। लेकिन जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो इस तरीके के नाबार्ड एसएफएससी की चीजों में जाते हैं। इसके अलावा बहुत अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है जो डिफरेंट टाइप के लोन्स वेरियस कैटेगरीज में भी एफपीओ को देते हैं, जैसे कि समन्वति फाइनेंस इंटरमीडिएट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। समन्वति फाइनेंस का आज ये कंपनी जिस हिसाब से हमारे साथ में जुड़ी हुई है और किसानों के साथ में जुड़ी हुई है, जैसे नव किसान फाइनेंस लिमिटेड है या फ्रेंड्स ऑफ वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग है या आर्या कोलेक्ट्रल लोन है, ये सारी नाम जो मैं आपसे कह रही हूँ ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स है। लेकिन इनका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन और रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द फार्मर्स थ्रू द एफपीओ, ये काफी अच्छा रेट है। आप इनके पर्टिकुलर साइट्स को या इनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस तरीके में आप जाकर इनके थ्रू भी अपने लोन के लिए प्रोवाइड के लिए अपनी
आपके जो पास जो जिस चीज में आपका प्रोड्यूस है उसके अगेंस्ट में आपके सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज जिसके साथ में आप इसमें जा सकते हैं, और हम लोग भी आपको इनके थ्रू भी दिलाने में उतनी ही हेल्प करते हैं। अब ये तो हुई लोन की बात कि हमको ये लोन कहाँ से मिलेगा। अब हमारी शिकायत है कि हमें लोन कितना मिलेगा, लोन कितना मिलेगा। जब हम ये बात करते हैं तब हमारे लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लोन कितना चाहिए। ठीक है जी, जी थोड़ा आपको इंटरव्यू करना चाहूंगा, हम थोड़ा समय एक्सीड कर चुके हैं, तो जी आप अभी 1 मिनट है जिसमें आप बताइए, बिकॉज हमें कुछ प्राइसेस अनाउंस करने हैं और हमारे एक और फार्मर राह देख रहे हैं हमारी। जी 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 बस मेरे पास, मैं सिर्फ इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लेके बताऊंगी, सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपके मनीष जी। जी इस लोन को अप्लाई करने के लिए हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाने के पहले एफपीओ के पास में, एफपीओ के एंड पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए बिना हम वहां पर जाकर भी हमारा कुछ काम नहीं होता, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट हमारे पिछले 3 साल की, डायरेक्टर्स के केवाईसी, पैन डॉक्यूमेंटेशन, आधार, कंपनी के कॉमन सील्स और स्टैम्प्स, सेल एंड परचेज कमोडिटी वाइज डिटेल्स 1 साल की, अपडेटेड बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये सारी जो चीजें हैं जो बहुत ही टेक्निकल होती है, जिसमें कि अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आपका अकाउंट्स, आपके सीए, आपके सीएस और आपके अकाउंट पर्सन, अगर ये तीनों पर्सन के जो पर्टिकुलर बेसिक काम है अगर वो पिछले 3 साल के आपके बराबर है और 1 साल में आप कच्चा चिट्ठा दे सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप इन पेपर्स को लेकर उनके साथ में जा सकते हैं, जिसमें कि आपको काफी कुछ हद तक 80% आपका काम हो जाता है पूरा लोन के फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। सो आई गेस मेरे ये छोटे से प्रेजेंटेशन से आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प हुआ होगा। सो बस मनीष जी, मैं इसी के साथ यहाँ पे फिनिश करती हूँ। अगर थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म गिविंग मी।